आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की। जानते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसे देखने को मिल पाएगा। रूपा जी देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर रहा था, 6000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि 6100 से अब बाजार 6000 के घरों में कारोबार कर रहा है। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या कैसे सीड का वायदा बाजार 6000 के भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा, या फिर 6000 से इसको सपोर्ट मिलेगा और निचले स्तर पर खरीदारी निकलेगी? देखिए अभी ऊपरी स्तर से दरअसल दबाव बनता हुआ सभी कमोडिटीज के अंदर देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी प्रेशर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि वापसी से बाजारों के अंदर एक तेजी बन सकती है और कैसे थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन 6000 रहेगा अगर उसको ब्रेक करता है तो वापसी से नीचे में 1500 तक मिल सकता है। लेकिन टारगेट अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी लग रहा है कि बाजारों में वापसी से रिकवरी आ सकती है। और जैसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऊपर में एक बार 6500 तक एक बार जा सकता है, कैसे कि मुझे लगता है कि 6500 पास कर अभी भी इम्पैक्ट है। अगर 6000 का लेवल ब्रेक नहीं करता, अगर 6000 टूटता है तो फिर वहाँ से 200 पॉइंट तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल जाए। जी रूपा जी नज़र डालें अगर बिनौला खल की ओर तो देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 2500 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल में अब एक कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ खरीदारी लौटी है एक बार फिर से। रूपा जी अब आपको क्या लगता है अगर 2500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल्स बिनौला खल में अब क्या देखने को मिल पाएंगे? 2500 के ऊपर की तेजी के बाद बिनौला खल 2560 से लेकर 2620 तक का एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है। अभी फिलहाल जो है बहुत लिमिटेड रेंज है, इसको बहुत ज्यादा भी अपसाइड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ अब जिस तरीके से रिकवरी से पिछले साल से आई है उसके चलते थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, शॉर्ट टर्म में इसकी बाइंग की जा सकती है और एक्सपेक्टेड है कि ये बाइंग जो 2600 तक इंपैक्ट हो सकती है 2600 के टारगेट की। जी रूपा जी नज़र डालें अगर मसाला पैक की ओर तो देख रहे हैं कि आज मसालों का बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो अब आपको क्या लगता है इस कारोबारी सप्ताह मसालों का रुझान कैसे देखने को मिल पाएगा? अभी की मसालों की बात करें तो विलेज मसालों के अंदर अभी मुझे लगता है कि आगे चलते तेजी बन सकती है। अभी थोड़ा सा बाजार उतार उतार जरूर दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में एक सर्दी का सीजन को ध्यान में रखते हुए उसकी मांग निकल सकती है, उसके चलते थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी नज़र डालें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा आज भी 9600 पर है और ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5800 पर लुढ़क चुका है। तो रूपा जी अब आपको क्या यहाँ लगता है यहाँ पे अब ग्वार में खरीदारी की रणनीति अपनाकर चलना सही रहेगा या फिर यहाँ से अभी बिकवाली देखने को मिलेगी? देखिए ग्वार के अंदर अभी बाउंस बैक है और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी फिलहाल ग्वार के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, 1000 के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे सकती है। जी जैसे रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि सरसों मस्त सीड आज 8500 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो 8600 का लेवल था वो टूट चुका है। अब आपको क्या लगता है क्या इंट्राडे में मस्त सीड फिर से 8600 का लेवल हासिल कर पाएगी? देखिए बिल्कुल मस्त सीड में तेजी रहती है, अभी कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो भी तेलों के अंदर मुझे लगता है कि बाउंस आ सकता है। और अभी फिलहाल जो गिरावट है वो देखने को भी मिलती है, तो सोचता हूँ गिरावट के अंदर आपको खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए, आगे चलकर सबसे ज्यादा तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1296 पर कारोबार कर रहा है, 1300 का अपना सपोर्ट लेवल ये भी तोड़ चुका है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोयाबीन में 5800 का लेवल देखने को मिल रहा है और जो रिफाइंड सोया तेल है वो 1300 का लेवल दिखा चुका है, 1300 का लेवल तोड़ चुका है, तो अब इसमें क्या रणनीति अपनाकर चलना सही रहेगा? क्योंकि देख रहे हैं कि सोयाबीन काफ़ी दिनों से एक गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल सोयाबीन में गिरावट है और रिफाइंड सोया ऑयल में भी गिरावट है, सरसों की डिमांड अच्छी है इसलिए सरसों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो फिलहाल के लिए सरसों में तेजी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल में बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खरीदारी आ सकती है लेकिन लंबी खरीदारी मुझे नहीं दिखाई देती, और आगे जाकर सोयाबीन की बात है प्रेशर में ही रही है कमोडिटी, अब वापस से बहुत ज्यादा वाली तेजी से एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर किसी को एडिबल ऑयल पैक में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो मुझे लगता है कि सरसों के तेल में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, सरसों का तेल अभी आगे और उछल सकता है, तो सरसों के तेल में खरीदारी की जा सकती है। जी रूपा जी सोयाबीन में आपको क्या लगता है सोयाबीन में अगर नीचे में लेवल जाते भी है बाजार टूटता है तो नीचे में मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा? नीचे में एक बार 6000 के आसपास का सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर ज्यादा लंबी गिरावट की तरफ जा सकता है। रूपा जी अभी देख रहे हैं कि 5800 के घरों में कारोबार कर रही है सोयाबीन, तो आपको क्या लगता है क्या नीचे में 5500 के भी लेवल देखने को मिल पाएंगे?
देखिए जैसे कि आज हमने देखा कि ये 6000 की लेवल को तोड़ चुका है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी आती है और एक से दो दिन की क्लोजिंग बन जाती है तो टेक्निकली ये वीक हो जाएगा और इसमें से 5500 से लेकर 5000 का स्तर भी संभव है कि देखने को मिल जाए। आज हमने देखा है तो 6000 के नीचे, लेकिन अगर आज 6000 के नीचे की सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है तो आपके लिए इसके अगर 5500 से लेकर 5200 तक नीचे में बढ़ा जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज मुझे लगता है कि सभी एग्री कम्युनिटीज के अंदर उठा उठा का माहौल है, लेकिन ग्वार एक ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जो आने वाले दिनों में तेजी की तरफ जा सकती है। ग्वार के अंदर अभी फिलहाल के लिए बाई करके चलाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज इंटरडे में सारी एग्री कम्युनिटीज के अंदर उठापटक का माहौल जारी रह सकता है, लेकिन रूपा जी के अनुसार ग्वार कॉम्प्लेक्स एक ऐसी कम्युनिटीज़ है जिनके अंदर आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है और एक खरीदारी निकल के सामने ग्वार के अंदर अभी भी देख आ सकती है। तो ग्वार में खरीदारी करके चला जा सकता है रूपा जी के अनुसार और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स से ऊपर।